विश्व एड्स दिवस पर शिमला के पीटर हॉफ में स्वास्थ्य विभाग राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और एड्स जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि एड्स पीड़ित बच्चों के लिए सरकार आगामी बजट में अलग योजना लेकर आएगी। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये छुआछूत की बीमारी है और इस इलाज का एक अच्छा हमारे पास तरीका है कि इससे उम्र बढ़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही इस बीमारी पर जो हमारे वैज्ञानिक है विश्व के, वो इसका इलाज ढूंढ लेंगे। मेरा मानना है कि हिमाचल में 5500 के करीब एड्स के ग्रसित लोग हैं और समाज भी अब उनको थोड़ा धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है और समाज को स्वीकार भी करना चाहिए। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन शुरू ही नहीं किया कि उन्हें बचपन से ही पैदा होते ही एड्स हो गई। हमारी सरकार इस प्रकार के जो समाज के लोग हैं उनके लिए आने वाले समय में योजना लेकर आएगी, जिसकी झलक आपको बजट में दिखेगी। वहीं सुखविंदर सिंह ने कहा कि एड्स की बीमारी छिपानी नहीं चाहिए, इस बीमारी के इलाज से उम्र को बढ़ाया जा सकता है। हमें सावधानी बरतनी चाहिए और उन लोगों को स्वीकार करना चाहिए जो एड्स से ग्रसित है, किस कारण हुए उन कारणों पर ना जाकर उन्हें अपनाना चाहिए। और आज खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के लोग उन लोगों को अपना रहे हैं, जो आज से 20 साल पहले जो हम देखा करते थे स्थिति कुछ और हुआ करती थी, आज बहुत परिवर्तन उस बात में आया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि जैसे ही हाईकमान की तरफ से निर्देश आएंगे उसके अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। तो हाईकमान चाहेगा उसको बुला लिया जाएगा और शपथ करवा दी जाएगी, ये जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं सरकार के एक साल का कार्यकाल भी पूरा होने को है, जिसको लेकर सरकार एक बड़ा कार्यक्रम कांगड़ा के चंबा में आयोजित करने को लेकर विचार कर रही है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है, इसकी जानकारी सीएम ने दी। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्या समाचार।